हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं और अभी मैं अपनी शॉप पर जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। और अभी मैं अपनी शॉप पर 1 घंटा पहले ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो शॉप की टाइमिंग है वो 5:00 बजे तक की है और अभी ऑड इवन से शॉप्स खुल रही हैं। तो और जो सैटरडे संडे है वो वीकेंड ओपन रहता है और अभी जो शॉप्स हैं वो डेट वाइज खुल रही हैं। तो अभी जो मेरी शॉप पर जो नंबर है वो इवन नंबर लगा हुआ है और वहाँ पे जितनी भी कपड़े की शॉप्स हैं सब पर ऑड नंबर लगा हुआ है और सिर्फ मेरी शॉप पर ही इवन नंबर लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं शॉप पर। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं अपनी शॉप पर सुबह आया था, तो मुझे अपनी शॉप की थोड़ी सेटिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि अब जो शॉप्स हैं वो ऑड इवन से खुल रही हैं। तो एक दिन क्लोज रहती है, एक दिन खुलती है, जो थोड़ी बहुत शॉप पे फिर डस्ट वगैरह आ जाती है। तो इसलिए जो शेल्फ वगैरह और कपड़े हैं उनको थोड़ा साफ सूफ करना था, तो अभी कपड़ों और शेल्फों की साफ सफाई कर दी है, मतलब पूरी शॉप की सेटिंग कर दी है। और अभी जो शॉप पर न्यू कलेक्शन आई थी जीन्स, कॉटन पैंट, शर्ट्स, टी शर्ट्स की, वो भी सारी मैंने न्यू कलेक्शन शेल्फों पर लगा दी है। तो जो भी न्यू कलेक्शन आई है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी ऑड इवन से ही ओपन हो रही हैं, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो यहाँ पे राउंड लगाते रहते हैं, जिसकी शॉप ऑड इवन से ओपन नहीं होती उसका चालान काटने के लिए घूमते रहते हैं। तो इस वजह से यहीं पे सारे रूल्स फॉलो करते हैं और ऑड इवन से ही शॉप ओपन कर रहे हैं। और मेरा भी जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो ये इवन नंबर है वो डेट वाइज चलता है, मतलब जैसे आज 28 तारीख है तो आज मेरी शॉप खुलेगी, और अभी कल और परसों सैटरडे संडे है तो वीकेंड लॉकडाउन लगा ही रहेगा, तो जैसे 31 आएगी तो अब एक नंबर खुलेगी और नंबर। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी मैं कस्टमर अटेंड करके फ्री हुआ हूँ और अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, और अभी मुझे सारे कपड़े भी तय करने हैं। तो ये पहले लंच करते हैं, उसके बाद ये सारे कपड़े तय करेंगे। तो ये मेरा खाना भी कम्प्लीट हो गया है और अभी मैंने यहाँ पे कपड़े भी सारे तय कर दिए हैं। तो अभी जो ये पानी की बोतल है ये मैं सुबह अपने साथ लेकर आता हूँ पीने के लिए, और इसमें मैं ठंडा पानी लेकर आता हूँ, और मम्मी जो है इस बोतल को रैप कर देते हैं अखबार से ताकि पानी जो है गर्म ना हो। और अभी इसको मैं सुबह से लेकर आया हूँ और अभी तक ये पानी मतलब नॉर्मल हुआ है, मतलब गर्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं जो ऐसी बोतल लेकर आता हूँ बिना रैप के अखबार की वो पानी गर्म हो जाता है सुबह से जब ला के रखता हूँ, वो दोपहर तक भी नहीं रहता, वो ऐसे ही गर्म हो जाता है। और अभी ये अभी तक मतलब वही जाके नॉर्मल हुआ है, और अभी 4:30 हो गए हैं। तो अभी 5:00 बज चुके हैं और अभी मैंने यहाँ पे अपना बैग रेडी कर लिया है, तो अभी यहाँ पे सारे कपड़े खुले हैं क्योंकि अभी कस्टमर आ गया था। तो अभी फिर ये ट्यूसडे को ही आगे तय करेंगे और लाइट्स वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं घर। तो अभी मैं घर पर आ गया हूँ और अभी मम्मी ने मेरे लिए नींबू पानी बना दिया है, तो अभी नींबू पानी पीते हैं। तो अभी मम्मी ने तो नींबू पानी पिया नहीं था, तो अभी मम्मी अपने लिए चाय बना के ले आए हैं और चाय के साथ खा रहे हैं मम्मी मटर, और अभी मोबाइल भी चला रहे हैं साथ में। मोबाइल बाद में चला लेना, पहले चाय पी लो साथ साथ, चाय भी साथ साथ मोबाइल भी। तो मम्मी ने मार्केट से कुछ सब्जियां वगैरह लेनी है, तो अभी चलते हैं मम्मी के साथ मार्केट। मास्क तो अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी मुझे अपना वर्कआउट भी करना है, और आज मैं अपने शोल्डर का वर्कआउट करूंगा, और जो वर्कआउट है वो मैं अपने पीछे वाले बेड़े में करूंगा। तो अभी करते हैं। तो अभी आज का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, और काफ़ी इंटेंस वर्कआउट हुआ, और अभी काफ़ी गर्मी भी लग रही है और पसीना भी आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे नहाने, तो उसके बाद अपनी वर्कआउट मील लेंगे। तो अभी मैंने अपनी वर्कआउट मील ले ली है और अभी मेरा खाना भी कम्प्लीट हो गया है, और अभी मुझे अपने आज के ब्लॉग को एडिट करना है। तो मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।